हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के जो भीड़मेट है जिसे आप वीडियो या सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, आप उसकी मदद से आप अपने फाइल को, फोटोज़, वीडियोस को कैसे हाइड कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप लॉक लगा सकते हैं, आप अपना खुद का एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिसके मदद से कोई भी आपका वीडियो फाइल नहीं देख पाएगा या फोटो आपका नहीं देख पाएगा बिना आपके पासवर्ड डाले हुए। तो मैंने भीड़मेट में कैसे लगाया जाता है प्राइवेट फाइल, इसके ऊपर मैंने वीडियोज बनाया था। तो पहले सिस्टम कुछ ऐप दूसरा था और अभी जो सिस्टम बिल्कुल हो चुका है नया अपडेट। तो अभी आप जाएंगे भीड़मेट में और प्रोफाइल में जाएंगे और प्राइवेट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई भी सिंपल लॉक नहीं रहता है, उसको आप केवल कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ओरिजिनल कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड करके उसका लॉक लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, जो कि ओरिजिनल है। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो आप ओरिजिनल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं कैलकुलेटर ऐप्स एंड फोटोज लॉकर, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, प्लीज़ सेट 4 से 8 डिजिट पासवर्ड इनटू कैलकुलेटर एंड प्रेस बराबर बटन टू कंफर्म। तो आपको यहाँ से ओके करना है और जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उसे 4 से 8 अक्षर में आप जो भी रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप कर और ये जो इक्वल का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। फिर एक बार और आपको टाइप करके और यहाँ से ओके का ऑप्शन क्लिक कर देना है तो आपका सेट हो जाए। और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और परमिशन आपको कर देना है अलाउ। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो भी यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका एक आंसर दे देना है। जैसे कि व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, तो आपको अपने फर्स्ट कार के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब कर देना है। तो इस टाइप से कुछ भी आपको टाइप कर देना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ओके का ऑप्शन है आपको इस पे टैप कर देना। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो टिप्स दिया हुआ है उसे नेवर शो पे क्लिक कर देना है। यदि आपके पास रिकवरी ईमेल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर फाइल्स और वीडियो को ही यहाँ पे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएगी कि कौन से फाइल्स को, कौन से फॉर्मेट को आपको यहाँ पे हाइड करना है। जैसे हम पिक्चर का करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जैसे कि ये वाला जो पिक्चर है इंस्टाग्राम का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मूव टू वर्ल्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं और इनक्राइप्ट और यहाँ से ओके। तो ये जो हमारा पिक्चर है ये यहाँ पे इनक्राइप्ट हो चुका है। अब इसे जब हम गैलरी में जाकर देखेंगे तो ये हमारा पिक्चर यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का पिक्चर था, तो हम इंस्टाग्राम के फाइल में जाकर देखते हैं कि उस वहाँ पे है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अब फिर से हमको जाना है यहाँ पे जो एप्लीकेशन और आपका जो पासवर्ड है उसे आपको टाइप करना है और फिर आपको ये इक्वल वाला बटन क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगा। और इसे अनहाइड करना है तो यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस कर और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके और अनहाइड पे कर सकते हैं, यहाँ से लॉक जो है या अनलॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को आप यहां से इनक्राइप्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने सभी पिक्चर वीडियोज को यहां से अनहाइड पे क्लिक करके और ओरिजिनल पार्ट पे कर देंगे। और फिर से गैलरी में यदि आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो फ़ोटो है हमारा यहां पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोटोज वीडियोज को लॉक कर पाएंगे।